Hello, everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. So, we are going to have discussion on the direct tax TYBCOM semester 5th. And the topic for discussion is residential status, uh, which is covered under section 6 and uh, section 6 of sub, subsection sub, sub, 6. So, section 6 and subsection 6, both the sections we are going to cover in this uh, today's session. And this will be an important part. Uh, Deal with the residential status of an individual because for solving the practical questions, we need to be very much comfortable with the uh, basic uh, rules of the residential status. So we will be having a brief uh, discussion about the rules of residential status, what, what kind of points you have to remember from your exam point of view. So, we session year assessment year 21-22. और पहले जो मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं उसके बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो ज्यादा कुछ रूल्स में डिफरेंसेस नहीं है लेकिन अपना असेसमेंट ईयर अभी 2021-22 है जिसका प्रीवियस ईयर हमारा होगा 2020-2021 तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे शुरू करते हैं आज का सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डीलिंग विद वॉट डू मीन बाई द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस देखो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब हम देखें तो एक इंडिविजुअल अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया अगर एक इंडिविजुअल यूएस का रेसिडेंट है तो ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स इन यूएस तो हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ही इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया for that purpose uh, there are certain conditions uh, prepared as per the section 6 of the income tax act 1961 and we will be having discussion on how to uh, remember this uh, rules how to deal with the points related to the practical questions as concerned so if the individual is not satisfying any of the conditions which we are going to discuss now then he will be considered as a non resident of india तो अगर वो बंदा जो है वो अगर कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो उसे हम फिर इंडिया का नॉन रेसिडेंट मानेंगे और अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे फिर रेसिडेंट मानेंगे रेसिडेंट में दो चीज़ें डिस्कस होती है ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके तो अभी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बेसिक सेक्शन पहले मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझें ध्यान से आइडेंटिफाई करें बिकॉज ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसी के बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे तो सेक्शन सिक्स डील्स विद द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला रूल या सबसे पहला कंडीशन जो अभी हम डिस्कस करेंगे ही शुड स्टे इन इंडिया इन दैट प्रीवियस इयर फॉर वन डेज और मोर तो हमारा असेसमेंट ईयर है 2021-22, 2021-22 के पहले वाला ईयर होता है हमारा प्रीवियस ईयर मतलब 2020-2021, 2020 2021 में अगर कोई बंदा अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता होगा तो उसे हम इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे क्या मानेंगे उसे हम इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे if any individual stays in india in the previous year for one, more than 182 days he will be considered as a resident of india use hum kya consider karenge use hum india ka resident consider karenge lekin agar wo 182 days india mein nahi rehta hoga तो फिर हमें क्या करना है तो ध्यान से समझते हैं तो फिर हमें क्या करना है हमें हमें हमारा second condition पढ़ना है देखो सेकंड कंडीशन की बात करें तो विद इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही शुड स्टे फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्या है हमारा प्रीवियस ईयर है 2020 हजार बीस 2020-21 में अगर कोई भी 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता होगा तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे उसे हम इंडिया का रेसिडेंट कंसिडर करेंगे लेकिन अगर कोई 182 डेज से कम रहता होगा तो हम क्या हम उसे डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट मान सकते हैं बिल्कुल नहीं तो फॉर दैट पर्पस हमारे पास और वाला कंडीशन है और वाला कंडीशन हमें यह कहता है कि आपका जो प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर क्या है हमारा दो हज़ार बीस दो हजार के पहले वाले चार साल मतलब पिछले चार साल आपके प्रीवियस ईयर के पहले वाले जैसे कि दो हजार है उसका पहले का साल कौन सा आएगा 2019-20, 2018-19, 2017-18 एंड 2016-17 इन फोर ईयर्स में अगर वो किसी भी साल में या टोटल मिला के थ्री डेज या उससे ज्यादा रहता होगा तो हमारा कंडीशन नंबर वन का जो और है वो सेटिस्फाई होता है मतलब कंडीशन नंबर वन वन एटी टू डेज अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम और वाला कंडीशन देखने देखेंगे और और, और वाला कंडीशन क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर के पहले वाले चार साल में वो इंडिया में थ्री सिक्सटी फाइव डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए इसके साथ और एक क्राइटेरिया है जो फुलफ़िल होना ज़रूरी है और वो है एंड शुड स्टे फॉर थ्री सिक्सटी डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और आपका जो भी प्रीवियस ईयर है मतलब प्रीवियस ईयर क्या है दो हजार बीस दो हजार इक्कीस तो दो हजार बीस इक्कीस में वो कम से कम सिक्सटी डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए वन एटी टू डेज रहता है तो फिर ये दोनों कंडीशन देखने की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन वन एटी टू डेज अगर नहीं रहता तो हम फिर और वाला कंडीशन देखेंगे और वाला कंडीशन क्या कहता है विद इन और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही शुड स्टे फॉर 365 डेज और मोर एंड ही शुड स्टे इन दैट प्रीवियस ईयर व्हिच इज़ दैट प्रीवियस ईयर दैट प्रीवियस ईयर मतलब 2020 थाउजेंड जो हमारे लिए अभी प्रीवियस ईयर है तो 2020 थाउजेंड में कम से कम 60 डेज तो रहना ही चाहिए तो ये कंडीशन भी होना चाहिए ये कंडीशन भी होना चाहिए अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो वो बंदा क्या बनेगा दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ही सैटिस्फाई करता है तो अगर वो 184 एटी डेज इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर में तो फिर आप क्या करोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम ये और वाला जो कंडीशन लिखा है वन एंड टू वो हम अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज फर्स्ट कंडीशन इट सेल्फ स्पेसिफाइज दैट इफ इज अ इफ़ इज स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन वन एटी टू डेज ही विल बी कंसिडर एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अभी हमने रूल्स पढ़ लिए कि एक बंदा जो है वो रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का अगर ये कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है तो एंड दिस डील्स एज पर सेक्शन सिक्स आगे बढ़ते हैं इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है अभी एक्सेप्शन ध्यान से दो एक्सेप्शन हम कवर करेंगे एक्सेप्शन मतलब ये जो कंडीशन होंगे इसमें जो सेकेंड वाला कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं होने वाला जो कंडीशन है सेकेंड वाला जो कंडीशन अभी हमने पढ़ा सिक्सटी डेज का देखो सबसे पहला एक्सेप्शन कहता है कि अगर कोई इंडिया से बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है इफ़ एनी पर्सन लीव्स इंडिया ऑन अ शिप इन क्र्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट अगर वो बाहर जा रहा है क्या पर्पज से ही इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो ऐसे बंदों को सिक्सटी डेज का पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसे बंदों को कम से कम इंडिया में वन एटी टू डेज रहना ही पड़ेगा तो ही हम उसे इंडिया का रेसिडेंट मानेंगे सबसे सिंपल रूल यह है कि एक्सेप्शन में जो लोग कवर होते हैं उनको जो सेकेंड कंडीशन हमने डिस्कस किया था में 365 और उस प्रीवियस ईयर में सिक्सटी डेज वो एप्लीकेबल नहीं होगा जैसे कोई इंडिया से बाहर जा सकता है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वैसे ही कोई फॉरेन से इंडिया में आ सकता है लेकिन उनके लिए भी दो क्राइटेरिया होने चाहिए सेकेंड कंडीशन देखते हैं सेकेंड एक्सेप्शन देखेंगे एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसा बंदा ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है मतलब इंडिया में वो बॉर्न हुआ था उसके पेरेंट्स इंडिया को रिलेट करते हैं ऐसे पर्सन को हम इंडियन ओरिजिन का पर्सन कंसिडर करेंगे एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया लेकिन वो किस लिए आना चाहिए इंडिया में विजिट के लिए आना चाहिए एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट ऑन अ विजिट

जो है वो छोड़ के उसका इनकम अगर पंद्रह लाख क्रॉस करता होगा प्रीवियस ईयर में तो उसके लिए फिर कंडीशन देखो क्या है द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इज वन एटी टू डेज और मोर वो तो हमने देख लिया वन टू डेज होना ही चाहिए एंड विद इन फोर प्रिसडिंग प्रीवियस ईयर ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज और मोर एंड ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर सिक्सटी डेज़ का पीरियड है उसके लिए कितना पीरियड है वन ट्वेंटी डेज और मोर ठीक है वन ट्वेंटी डेज और मोर आपको ध्यान रखना है इसके लिए कोई ऐसा पर्सन जिसका फॉरेन इनकम जो है जो अदर इनकम है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मतलब फॉरेन सोर्सेज का इनकम छोड़ के उसका इनकम अगर पंद्रह लाख को क्रॉस करता होगा तो फिर उसको सेकेंड कंडीशन में सिक्सटी डेज के जगह पे हमने क्या देखा है वन ट्वेंटी डेज देखा डेज आपको रखने। और नोट है इफ इनकम इनकम नॉट अगर उसका 50 नहीं करता होगा तो फिर कुछ नहीं तो फिर डेज रहना पड़ेगा। 182 का ही उसके लिए होगा बट ऑल दो इनकम इज एक्सीडिंग डेज के जगह पे क्या है 120 आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर सेकेंड कंडीशन में थोड़ा सा चेंज है बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है डीम so, uh, रेसिडेंट एक एक्स्ट्रा चीज मैंने यहां पर डाली है अभी इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते है अभी हमने पढ़ लिया की इंडिया का कोई पर्सन रेसिडेंट है कि वो रेसिडेंट नहीं है अगर वो रेसिडेंट है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वन एटी टू डेज का वन एटी टू डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा तो हम और वाला कंडीशन देखेंगे पिछले प्रीवियस ईयर के पहले वाले चार साल में वो थ्री सिक्सटी फाइव डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए एंड उस प्रीवियस ईयर में वो कम से कम कितना रहना चाहिए उस प्रीवियस ईयर में वो कम से कम सिक्सटी uh, डेज तो रहना चाहिए अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के आगे भी दो पॉइंट्स आते हैं नंबर वन इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट And number second is resident but not ordinarily resident. Now how to identify whether a person is called as a resident and ordinarily? देखो, a person will be called as a resident and ordinarily resident if he fulfills the following conditions. अगर ये जो conditions अभी हम discuss करने वाले हैं, ये conditions अगर कोई भी बंदा follow करता है, या ये conditions fulfill करता है, तो हम उसे क्या consider करेंगे? हम उसे कंसिडर करेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो आप कहेंगे सर रेसिडेंट कैसे ढूंढना है रेसिडेंट तो अभी हमने पढ़ लिया 182 डेज मतलब एक रेसिडेंट ही फर्दर ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन सकता है नॉन रेसिडेंट होगा तो फिर कोई कंडीशन का प्रॉब्लम अराइज होगा ही नहीं तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट बन गया रेसिडेंट बनने के बाद हमें आगे क्लैरिफाई करना होगा कि वो इंडिया का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है सो हाउ टू आइडेंटिफाई रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली तो ध्यान से देखो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर ओ आर कहते हैं और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम फिर उसे कहेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इट्स वेरी सिंपल इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस काफी ईजी है एकदम सिंपल सेंटेंस में बता रहा हूं अगर ये रूल सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं करता तो वो फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा जिसको हम आर एन ओ आर कहते हैं तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फर्स्ट कंडीशन ही शुड बी अ रेसिडेंट इन टू आउट ऑफ टेन मतलब पिछले दस साल में किसी भी दो साल में वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर के पहले वाले दस साल में तो आप सोचेंगे सर कितना डिफिकल्ट कंडीशन है दिस कंडीशन आर सो मच डिफिकल्ट लेकिन कंडीशन जितने आपको डिफिकल्ट लगते हैं उतने ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाले हैं तो जस्ट अ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस कंडीशंस ठीक है बहुत इजी है कोई भी कैलकुलेटिव चीज नहीं है फिलहाल तो हम सिर्फ कंडीशंस को एक बार पढ़ रहे हैं पिछले दस साल में वो इंडिया में दो बार रेसिडेंट होना चाहिए अगर होता है तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई दूसरा कंडीशन ध्यान से देखो एंड लिखा है ही शुड स्टे फॉर 730 डेज कितना डेज 730 डेज ड्यूरिंग सेवन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब पिछले सात साल में पिछले चार सात साल में कौन से सात साल में आपका जो प्रीवियस ईयर है आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका प्रीवियस ईयर है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के पहले वाले सेवन ईयर्स तक हम जाएंगे और पहले वाले सेवन ईयर्स में वो कम से कम इंडिया में सेवन थर्टी डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए पहला कंडीशन क्या था पिछले दस साल में वो इंडिया में दो बार रेसिडेंट होना चाहिए और पिछले सात साल में वो कम से कम सेवन थर्टी डेज अगर इंडिया में रहता होगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड इफ कंडीशन नंबर वन एंड कंडीशन नंबर टू इफ बोथ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड दैन वी विल बी कॉलिंग हिम एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट अगर दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो हम उसे कहेंगे आर ओ आर और अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसे कहेंगे आर एन ओ आर तो इट्स वेरी सिंपल रेसिडेंट बनेगा तो आर ओ आर आर एन ओ आर कैलकुलेट करना पड़ेगा और अगर रेसिडेंट की जगह पे वो नॉन रेसिडेंट बनता है तो फिर टॉपिक क्लोज वहां पे आगे कोई भी बाइफरकेशन फर्दर नहीं है तो जो मैंने चीजें आपको बताई है वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं देखो एक पर्सन जो है वो इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है देखो नॉन रेसिडेंट में आगे कोई भी पार्ट पार नहीं है नॉन रेसिडेंट बन गया मैटर क्लोज हो गया कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा लेकिन अगर रेसिडेंट बनता है तो वी हैव आर ओ आर एंड वी हैव आर एनओ आर तो पहला कंडीशन क्या है आपका प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्या है 2020-2021 तो 2020-2021 में वो कम से कम कितना दिन रहना चाहिए वो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए अगर नहीं रहता होगा फिर क्या करेंगे हम सेकेंड कंडीशन और वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आपके जो प्रीवियस ईयर के पहले वाले चार साल है उसमें कम से कम कितना रहना चाहिए थ्री डेज और मोर रहना चाहिए एंड 2019-20 इधर लिखा है 2019-20 नाइनटीन ट्वेंटी ने ट्वेंटी आपका जो प्रीवियस ईयर है वही यहाँ पे होगा तो आई एम राइटिंग इट हियर अगेन अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे 2020 थाउजेंड ठीक है 2020 थाउजेंड में वो कितना कम से कम रहना चाहिए 60 डेज अगर ये सिक्स वन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बनता है वो बनता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो अभी हमने पढ़ लिया कि रेसिडेंट बनने के बाद फिर क्या है हमारे दो कंडीशंस है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी जिसको हम आर ओ आर कहते हैं या फिर आर एन ओ आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी तो पिछले दस साल में वो कम से कम दो बार रेसिडेंट होना चाहिए पहला कंडीशन और पिछले सात साल में वो कम से कम इंडिया में कितना रहना चाहिए सात सौ तीस दिन इंडिया में रहना जरूरी है अगर वो सात सौ तीस दिन भी रहता है और अगर वो दो बार रेसिडेंट भी है आउट ऑफ टेन देन ही विल बी कॉल्ड एज अ पर्सन and he will be called as a resident and ordinarily resident if he is not satisfying uh, any of the condition from these two conditions then he will be called as resident but not ordinarily resident so this chart is very much simple to understand so that aapko ye sare conditions ek hi is pe pata chale to yahi maine yahan pe dono likha hai ये हमारे exceptions थे जो मैंने आपको already बताया ये और एक बार chart आपके लिए present किया है ताकि आपको पता चल सके So that's it from this video. These were totally the conditions of uh, residential status section 6, section 6 1, and section 6 6. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे और लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम का ऐप डाउनलोड कर ले टेलीग्राम चैनल भी है ज्वाइन कर ले ताकि आप हमसे जुड़ सके और आपको सारी मटीरियल जो है सारे मटेरियल सारे पी डी एफ फ्री में मिल सके थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर